नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, जैसे मैंने अगले वीडियोस में आपको जानकारी दी कि आज नौवीं नवरात्रि है और आज माता सिद्धरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। आज के दिन माता रानी को तिल का प्रसाद अर्पित करने से व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूरी होती हैं। जो कन्या भोजन करवा रहे हैं, आज के दिन नौ कन्या बुलाएं और उन्हें भोजन करवाएं, जो लोग नौवीं पूज रहे हैं, और कन्याओं की जो थाली है उसमें एक एक चुटकी तिल जरूर रखें। आज के दिन तिल का दान करने से, कन्याओं को तिल खिलाने से व्यक्ति के तमाम प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, घर के कलेश चले जाते हैं, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं जो घर में आ रही हैं, काम को सफल नहीं होने दे रही हैं, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाएगी। आज के दिन कोई भी निर्जन स्थान हो, ऐसी जगह एक मुट्ठी तिल अपने ऊपर से सात बार उवार करके ओम नमो सिद्धरात्रिये नमो नमः, मेरा दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो, ये बोलते हुए 32 बार उसको अपने ऊपर से उवारे और निर्जन स्थान में फेंक दे। फिर से रिपीट करती हूँ, मेरा दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो, ओम नमो सिद्धरात्रिये नमो नमः इस मंत्र को बोले और मेरा दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो, इस शब्द को साथ में जोड़ते हुए आपको 32 बार तिल को अपने ऊपर से उवारना है और निर्जन स्थान में इसको फेंक देना है। आज के दिन निर्जन स्थान में तिल फेंक देने से तमाम प्रकार की तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। जगह जो आप पसंद करें बिल्कुल निर्जन विस्तार होना चाहिए, जहां लोगों का आना जाना ना हो। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपकी वो इच्छाएं पूरी होना शुरू होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के दिन घर में तिल का तेल जरूर लेकर के आए। आज सोते समय तिल के तेल का एक दीपक अपने मुख्य कमरे में जरूर जलाएं। ऐसा करने से तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्ति मिलती है। आज के दिन तिल के तेल का दान करने से भी तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्ति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। आज जहां पर मंदिर हो माता रानी के, वहां पर तिल के 9 लड्डू आप दान करके आए। अगर लड्डू ना दान कर पाए तो तिल से बनी हुई कोई भी चीज 9 हिस्सों में बांट करके उसे मंदिर में चुपचाप रख करके आए। आप देखेंगे आपकी तमाम इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होगी, हर काम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।